हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक है ग्रीन थ्योरम। और ग्रीन थ्योरम को समझने से पहले हमें लाइन इंटीग्रल को समझना बहुत ज़रूरी है। सो इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे वो लाइन इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल था, तो जो लाइन इंटीग्रल वाला है वो आप ज़रूर समझ लें, क्योंकि ग्रीन थ्योरम का मेन जो यूज़ है वो ये है कि जो लाइन इंटीग्रल की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम सरफेस इंटीग्रल दैट इज डबल इंटीग्रल में सॉल्व करके बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए, इफ़ पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई आर द कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैविंग द कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव in a region R of xy plane bounded by the closed curve C, then P dx plus Q dy is equal to double integration of del Q by del x minus del P by del y dx dy. Green theorem is useful to, for the evaluating of the line integral around the curve C. तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो कुछ थ्योरम्स के प्रूफ है वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेशल मैं थ्योरम के प्रूफ डालूंगा, बट अभी जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो देखिए, वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाय दिस, इवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर सी इन अ सर्कुलर पाथ गिवन बाय द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को मैंने लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना आपको लाइन इंटीग्रल वाले वीडियो में बताया था, वो यहाँ टैब पे आ रहा है। सो वो वीडियो आप देख ले जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि इस क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम ग्रीन थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सो देखिए आप, सो सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर में कुछ नहीं होता है, जहाँ पे आई है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे डी एक्स, और यहाँ पे ये x 1 प्लस कॉस वाई डी वाई होगा, राइट। अब आप बोलोगे सर कैसे आ गया, अरे भाई कुछ नहीं करा, ये f है, इस f को हमने लिखा है यहाँ पे, और डॉट डी आर, और हम जानते हैं डी आर का मतलब क्या होता है, हमारे सामने जो r होता है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ पे जो डी आर होने वाला है वो होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट है ये, क्लियर है। तो वो बहुत ईजी है, आपको समझने की जरूरत है ना। अब नाउ ये, अब इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है आपको, है ना। तो हमारे पास ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू इसके बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी है साइन वाई, राइट, और क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे डी वाई का कॉफिशियंट है ना, डी वाई का कॉफिशियंट क्या है यहाँ पे एक्स वन प्लस कॉस वाई, राइट। अब हमें, हम जानते हैं कि जो सी, इसकी जो वैल्यू आएगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई डेल एक्स, क्यू को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दिस इज क्यू, और इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस वाई माइनस p को y के रेस्पेक्ट में, सो साइन y इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई, राइट। सो दिस इज कॉस वाई, नाउ ये हमारे पास आएगा डी एक्स डी वाई, और ये रीजन जो आपको दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ आप देख रहे हैं कॉस वाई से कॉस वाई क्या हो गया, कैंसिल, नाउ डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, और आप जानते हैं, मैं फिर से बता दूं यहाँ पे कि इस पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको समझाया था कि एरिया बाय द डबल इंटीग्रेशन, है ना, डबल इंटीग्रेशन वाला जो मेरा वीडियो वो जरूर देखें। ये सीधा जो डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, ये सीधा एरिया होता है, और ये एरिया किसका है, जो रीजन दे रखा है। तो आप जानते हैं इसका एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे कितना है ए, सो द आंसर इज पाई ए स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ग्रीन थ्योरम पे तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट, इस क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना जो मैंने आपको लाइन इंटीग्रल वाले वीडियो में सिखाया, उसके बाद इसको ग्रीन थ्योरम से सॉल्व करना जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, एक और क्वेश्चन आता है वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो अगर वेरीफिकेशन का मतलब आता है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम ग्रीन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, और हम दिखा देंगे कि दोनों से आंसर क्या आ रहा, हमारा पाई ए स्क्वायर आया, पाई ए स्क्वायर आ रहा, सो ग्रीन थ्योरम यहाँ पे क्या होती है, वेरीफाई होती है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम में ग्रीन थ्योरम पे पूछे जाते हैं ना। तो मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन और इस पर लूंगा, देखिए। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे एक क्वेश्चन और कि वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम फॉर द प्लान, इन द प्लान फॉर दिस 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6x स्क्वायर 6xy dy where c is the bounded by the region defined by y is equal to root x and y is equal to x square। यहाँ पे आपको ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब ये हुआ कि इसका हम इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, फिर इसी को हम ग्रीन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, दोनों से हम दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या है, बराबर है, राइट। सो हम यहाँ सॉल्व करेंगे सबसे पहले बाय लाइन इंटीग्रल,
राइट. सो लाइन इंटीग्रल में आपको दे रखा y = √x एंड y = x स्क्वायर. तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. राइट, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. सो y = x स्क्वायर, ये पैराबोला है. यहाँ पे x की पावर इवन है, तो ऑब्वियसली ये पैराबोला y के अबाउट सिमेट्रिक है. और y = √x, इसको हम सॉल्व इसको देखेंगे तो y स्क्वायर = दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा. तो ये पैराबोला मेरा ऐसा है. हम दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1, 1 एंड 0. अब आपको लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना है तो मैं इस पाथ को नाम दूंगा C1, इस पाथ को नाम दूंगा मैं C2. राइट, मैं लिख लेता हूँ कि ये वाला जो पैराबोला है ये मेरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और ये जो पैराबोला है ये मेरा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर. राइट, सबसे पहले हम लेंगे अलॉन्ग. हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका CF.dr की वैल्यू निकालना चाहते हैं. सो इसकी वैल्यू होगी C1F.dr प्लस C2F.dr. राइट, हम लाइन के अलॉन्ग चलेंगे. राइट, सो सबसे पहले हम लेंगे अलॉन्ग C1. अलॉन्ग C1 की बात करते हैं. सो अलॉन्ग C1 का मतलब ये हुआ कि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ कौन सा पैराबोला, y = x स्क्वायर. दैट इज क्या है यहाँ पे, y = x स्क्वायर, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज आएगा 2x dx. राइट, तो देखो लाइन इंटीग्रल में मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x होना चाहिए या फिर y होना चाहिए. तो यहाँ से हम इस पूरे को x में या फिर y में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए C1 F.dr is equal to, ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जहाँ पर भी x है y रखने वाला हूँ. तो देखो यहाँ पे y square, तो y square की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का एट एक्स फोर इंटू डी एक्स, नाउ प्लस का 4, y की वैल्यू कितनी यहाँ पे x square, और यह आएगा माइनस का 6 x, और ये x square है तो ये आएगा मेरे पास x cube इंटू ये आने वाला आपके पास 2x dx. राइट, अब x यहाँ से कहाँ से कहाँ से जा रहा है, लिमिट क्या जा रही है x की, 0 से 1 जा रहा है. राइट, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज 0 से 1, ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 8x4, और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8x क्यूब माइनस 12x पावर 4 इंटू dx. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको. सो दिस इज 0 टू 1, नाउ x स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को. सो दिस इज 3x स्क्वायर नाउ प्लस 8x क्यूब माइनस का 20x पावर 4 इंटू dx. इसका इंटीग्रेशन मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ. सो यह आएगा आपके पास C1F.dr इज इक्वल टू, जहाँ पर x वहाँ 1 रखेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. राइट, तो यह आएगा x क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और यह आएगा x पावर 4 बाई 4, सो दैट इज 2x पावर 4, और यह आएगा x पावर 5 बाई 5, है ना, तो यह आएगा माइनस का 4x पावर 5. नाउ लिमिट 0 से 1 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, जहाँ पर x वहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस 4, तो इसका आंसर आएगा माइनस 4. नाउ अब हम बात करेंगे अलॉन्ग C2 के अलॉन्ग क्या होगा, ध्यान दीजिए C2 के अलॉन्ग क्या हो रहा है, ये C2 मेरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. राइट, तो C2 वाला जो पाथ है ये कौन सा वाला पाथ है, ये वाला पाथ है. राइट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, या लिख लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो हम लिख सकते हैं इसको 2y dy इज इक्वल टू dx. हमने यहाँ पे सबको x में कन्वर्ट किया, या सबको y में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना. तो क्या आएगा देखिए आप C2F.dr, तो बेटा क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये रहेगा क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x स्क्वायर है, या तो आप ऐसा ही कर लीजिए कि जहाँ पर भी y स्क्वायर वहाँ x रख दीजिए, या फिर जहाँ पे x है वहाँ y स्क्वायर, तो x की जगह y स्क्वायर रखेंगे तो ये आएगा 3y पावर 4, नाउ ये तो ऐसा ही रहेगा, इंटू जहाँ पर भी dx वहाँ रख लेंगे हम 2y dy, नाउ प्लस दिस इज क्या आएगा 4 y माइनस यहाँ x y रखेंगे तो ये आएगा 6y क्यूब इंटू dy. राइट, नाउ इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, दैट इज 6y पावर 5 माइनस 16y पावर 4, ओह सॉरी दिस इज y क्यूब, नाउ प्लस 4y माइनस 6y क्यूब dy इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सिंपल, दिस इज C1, दिस इज C1. नाउ अब लिमिट रख देते हैं, बिकॉज वाई की लिमिट क्या से कहाँ तक जा रही है, y की लिमिट यहाँ से 1 से 0 जा रही है, ध्यान देने की जरूरत है. तो 1 से 0, तो मैं इसको वापस 0 से 1 करूँगा ताकि माइनस आ जाएगा. नाउ देखिए आप क्या हो रहा है, 6y क्यूब है, तो इसका वाई 6 पावर 6, मैं चलो लिख ही देते हैं इसको 0 से 1, पहले इसको लिख देते हैं 6y पावर 5, नाउ दिस इज माइनस 22y क्यूब प्लस का 4y इंटू
डी वाई. नाउ इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. सो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वाई पावर 6 बाय 6, सो दिस इज वाई पावर 6, और ये आएगा 22 पावर बाय 4, सो दिस इज 11 बाय 2 वाई पावर 4. नाउ दिस इज वाई स्क्वायर बाय 2, सो 2 वाई स्क्वायर एंड लिमिट 0 टू 1, और आगे माइनस है, सो माइनस आएगा एंड देन रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस 1 11 बाय 2 प्लस 2, सो दिस दैट इज आपके पास वैल्यू आ रही माइनस का 3 माइनस 11 बाय 2 दैट इज 6, 6 में से गया तो ये आया आपके पास 5, सो दिस इज 5 बाय 2. नाउ अब ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे हम इस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. इसमें रखूंगा मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो देखिए आप क्या होने वाला है यहाँ पे. सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सी वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी वन की वैल्यू है माइनस 1 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5 बाय 2, सो द वैल्यू इज 3 बाय 2. सो दिस इज बाय लाइन इंटीग्रल. नाउ अब मैं इसको थ्योरम से करने वाला हूँ. नाउ इसको हम ग्रीन थ्योरम से सॉल्व करेंगे. लाइन इंटीग्रल से इसका आंसर 3 बाय 2 है, मैं बताऊंगा ग्रीन थ्योरम से इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा. तो बाय ग्रीन थ्योरम देखिए आप, ग्रीन थ्योरम में क्या होता है, देखिए आप पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाय डेल वाई माइनस डेल पी बाय सॉरी डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई. सो देखिए आप डबल इंटीग्रेशन क्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका एक्स रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 6 वाई माइनस ये पी है इसका वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 16 वाई इंटू डी एक्स डी वाई. नाउ अब लिमिट की बात आती है तो यहाँ लिमिट कैसे लिखाएंगे, सबसे पहले एक्स की लिमिट फिर वाई की लिमिट. स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लग रहा है, और डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आई टेप में जाके आप डबल इंटीग्रेशन में मेरा जो वीडियो है जहाँ पे मैंने इंटीग्रल कैलकुलस में समझा रखा है, सो वहाँ पे आप देख जाके समझ सकते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले हम एक्स की लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन में कंसेप्ट होता है कि जो फर्स्ट लिमिट होती है वो वेरिएबल होती है, आई मीन कांस्टेंट होती है, और सेकंड को हम वेरिएबल डालते हैं, राइट. तो फर्स्ट एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से वन जा रहा है, राइट. अब वाई देखिए, राइट, ये हमारा बाउंड्री है, राइट. तो ये जो लोअर वाला जो पैराबोला है ये वाई की लोअर लिमिट देगा, है ना. तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स, और ये वाला जो पैराबोला है वाई की कौन सी लिमिट देगा, अपर लिमिट देगा. तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ रही है ना इसमें, है ना, क्योंकि ये जो लोअर वाला जो पैराबोला है यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रही है. जो ऊपर वाला पैराबोला है इससे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट एक्स आ रही है. और अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही तो आप इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने डबल इंटीग्रेशन वाले वीडियो में समझा रखा है, वहाँ पे आप जाके समझ सकते हैं, क्लियर. सो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 से 1, सो 10 y, 10 को बाहर निकाल लेता हूँ और y का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, दैट इज y स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर से रूट एक्स इंटू डी एक्स. नाउ ये 10 बाहर 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 5, एक्स इज इक्वल टू 0 से 1, एक बार हम रूट एक्स रखेंगे तो ये होगा x, और एक बार हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो माइनस का ये आएगा आपके पास x पावर 4 डी एक्स. और इसका हम वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आप क्या होने वाला है इसका इंटीग्रेशन, 5 एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स पावर 5 बाय 5 0 से 1. नाउ इसको लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 5, सो दिस इज 5, और यहाँ एलसीएम लेंगे 10, दैट इज 5 माइनस 2, सो यहाँ 5 में से 2 गया तो बचा 3, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2, सो आंसर इज 3 बाई 2. सो स्टूडेंट्स लाइन इंटीग्रल से भी इसका आंसर 3 बाई 2 आया, बाय ग्रीन थ्योरम भी इसका आंसर 3 बाई 2 आया, सो यहाँ पे ग्रीन थ्योरम क्या होती है, वेरीफाई होती है. सो लाइन ये जो डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है ये जरूर आप वहाँ पे जाके समझ लें सो दैट कि आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं आए. नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लिया आप कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम टू द प्लेन दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन मैं लाइन इंटीग्रल से आपको बता चुका हूँ और मेरा लाइन इंटीग्रल वाला जो वीडियो जहाँ पे आई टेब आ रहा है वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, है ना. मैंने ऑलरेडी डाल रखा है तो वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल क्या है, बट मैं हल्का सा हिंट देता हूँ कि मैंने क्या किया था. सो बाय लाइन इंटीग्रल मैं पूरा नहीं समझाने वाला हूँ. सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 लाइन है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 लाइन है, ये वाई इज इक्वल टू 1, ये वाई इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे मैंने ए पॉइंट लिखा था, बी पॉइंट लिखा था, सी लिखा था और डी लिखा था. ये ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था ये हमारे पास आएगा 1, -1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, 1, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा 1, -1, और डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -1, -1. सो हम सबसे पहले इसका लॉग निकालेंगे, इसका लॉग निकालेंगे, इसका लॉग निकालेंगे, और
इसके अलोंग निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास कहने का मतलब ये हुआ कि सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू ए बी एफ डॉट डी आर प्लस बी सी एफ डॉट डी आर प्लस सी डी एफ डॉट डी आर प्लस डी ए एफ डॉट डी आर, राइट। और ये मैं बता चुका हूँ, मैं बताने वाला नहीं हूँ, और इससे इसका आंसर आया था जीरो बाय द लाइन इंटीग्रल, और ये वाला आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है ना। अब इसको मैं बताने वाला हूँ बाय ग्रीन थ्योरम, राइट। सो बाय ग्रीन थ्योरम हम ग्रीन थ्योरम सॉल्व करेंगे, उससे भी इसका आंसर क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, राइट। तो देखिए आप क्या दे रखा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, डबल इंटीग्रेशन, दिस इज पी दिस इज क्यू, नाउ डेल क्यू बाय डेल वाई, इसको डेल क्यू बाय डेल एक्स, सॉरी, सो दिस इज टू एक्स, नाउ डेल पी बाय डेल वाई, सो दिस इज माइनस एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, माइनस वन से वन जा रही है, और वाई की लिमिट भी जा रही है माइनस वन से वन। नाउ देखिए आप क्या करेंगे, हम एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से वन और वाई इज इक्वल टू माइनस वन से वन, तो ये आएगा टू एक्स में से एक्स गया तो एक्स डी एक्स डी वाई। नाउ सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा वाई माइनस वन से वन डी एक्स। नाउ उसके लिमिट लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से वन, लिमिट रखेंगे वन माइनस माइनस वन डी एक्स, सो दिस इज टू, टू बाहर निकाल लीजिए और ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस वन से वन एक्स। वैसे ये ऑड है इसलिए सीधा इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन से वन, नाउ टू, टू से टू कैंसिल ही कर दीजिए, नाउ वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन, सो दिस इज वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे बाय लाइन इंटीग्रल भी जीरो है, बाय ग्रीन थ्योरम भी जीरो, और ये वाला जो है ये मैं लाइन इंटीग्रल वाले वीडियो में सॉल्व कर रखा है, तो वहाँ पे आपको देखना है, क्लियर है। मैं वापस डबल बार रिपीट नहीं करूँगा, वो बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको आज समझाया ग्रीन थ्योरम को कैसे हम वेरीफाई करते हैं और ग्रीन थ्योरम को कैसे हम अप्लाई करते हैं। मेन जो एप्लीकेशन है ग्रीन थ्योरम का वो है कि हम लाइन इंटीग्रल को बहुत इजीली डबल इंटीग्रल में, दैट इज सरफेस इंटीग्रल में सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल के कंसेप्ट समझने के लिए और डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट समझने के लिए आपको मेरे पुराने वाले वीडियोज़ को थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।